मेहंदी है रचने वाली, नहीं नहीं मुझे नहीं, मेरी मेहंदी तो कब की रच गई, लेकिन हर घर में अभी वेडिंग का सीजन है तो किसी ना किसी घर में अभी मेहंदी का फंक्शन चल रहा होगा या चलने वाला होगा। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी हेल्पफुल वीडियोज़ क्राफ्ट एंड हाउ ऑफिशियल में अपलोड हो रही है। मैंने आज मेहंदी स्पेशल, मैंने ये एसेसरीज बना तो लिए, लेकिन बाल में लगाने वाला ना वो पीछे लगाना था जैसे जूड़ा बना करके, लेकिन अब पॉसिबल ही नहीं हो पाया, इतनी जल्दी जल्दी में मैंने ये सब किया ना। बस मैं दिखा देना चाहती थी पहन करके कि कैसा दिख रहा है, सामने से दिख जाए बस कैसे भी, वरना पीछे से ना बहुत अच्छा लगता जूड़ा में अगर लगाया जाता तो। बट चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग रूटीन और वो बनाया कब था मैंने एसेसरीज, वो भी आपको इसी वीडियो में देखने को मिल जाएगा क्या क्या चीज़ें थी मेरे पास जिससे बनाई थी मैंने। और यहाँ पे चल रही है तैयारी चिली पनीर बनाने की, बहुत लोग चिली पनीर अभी बनेगा, लेकिन बहुत लोग कमेंट्स करे देखो कि आप तो दाल चावल सिंपल वे में सुबह बना लेते हो, पति देव आए हैं तो बड़ा वैरायटी बन रहा है। तो अभी आपने देखा होगा कुकर चढ़ा हुआ, तो मेरा दाल चावल तो डेली बनता है और क्योंकि बच्चे जो है ना वो सुबह दाल चावल नहीं तो खिचड़ी या गीला चावल कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर खाते हैं, तो अभी मैंने गीला चावल बनाया है। और जिसके भी घर में बच्चे होंगे ना वो समझ सकते हैं कि सुबह सुबह कुछ ऐसी गीली चीज़ें बनाने का रीज़न क्या होता है ना। और इसके बाद ही हम लोग लगते हैं अपने सारे काम में। तो यहाँ पर मैं बनाऊँगी रोटियाँ, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा अभी रश में कर रही हूँ क्योंकि अभी कन्हैया की ना मालिश वाली सब पड़ी है, सब करना है। तो जैसे तैसे अब कोई बच्चे को पकड़ ले तो पॉसिबल होता है कि हाँ डेली कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें बन जाए, बट सब लोग पकड़ेगा भी कोई तो शाम के खाने के टाइम पे, तो शाम में ही अच्छा अच्छा चीज़ बना पाते हैं, सुबह पॉसिबल नहीं होता है। अभी आप लोग देखे होगे पूरे टाइम कंटिन्यू कनिका मेरी गोद में है, इसलिए मेरा कैमरा हिल भी रहा है। बहुत लोग कमेंट करते हैं कि आपका कैमरा कई बार हिल रहा होता है, तो वो यही रीज़न होता है, एक हाथ में कनिका एक हाथ में ये, उतारने के बाद ना मेरा एक हाथ ऐसा थरथरा रहा होता है क्योंकि कंटिन्यू काफ़ी देर तक हो जाता है। और यहाँ पर काटी जा रही है शिमला मिर्ची, आपको चलो रेसिपी बतला देते हैं ना, काम तो ऐसे मैनेज होते रहेंगे। और जिसके भी छोटे बच्चे हैं और अकेले जो लोग करते हैं, चाहे हम, मैंने ही रांची में किया अकेले तो क्या हुआ नहीं, कर ही लेते हैं, तो जिसके बच्चे हैं वो तो कर लेते हैं, हो जाता है ना, और मैनेज नहीं करना पड़ता है, ये सब अपने आप ही चीज़ें हो जाती हैं क्योंकि बच्चे के लिए तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं और बस ऐसा ही होता है और कुछ नहीं है। तो चलिए यहाँ पर काटते हैं हम लोग शिमला मिर्ची, और प्याज है लेकिन टमाटर नहीं था और हरी मिर्ची नहीं था, उसकी जगह हम क्या यूज़ करने वाले हैं वो भी आपको देखने को मिलेगा। और हमारे पतिदेव की आदत है ना, मेरी आदत है चॉपिंग बोर्ड पे काटने की, तो आजकल बोर्ड तो निकाली थी फिर आलस करके छोड़ दी, इतनी सुबह सुबह कुछ काम हो नहीं पाता। पहले तो बड़ा वैरायटी में ना बैठ के सुबह सब्जी ये सब्जी वो सब्जी ये काटो वो काटो फटाफट सुबह सुबह होता था, लेकिन जब से बच्चे हुए हैं सुबह वाला काम तो ना बड़ा फास्ट फॉरवर्ड इसी तरह से शॉर्टकट में होता है, तो वो स्लैब पे ही काट रहे हैं क्योंकि उनको चॉपिंग बोर्ड की आदत नहीं है इस्तेमाल करने की, तो मैंने निकाला भी नहीं है। और अभी ऐसे ही जैसे तैसे बैठ उठ के कैसे भी काट लेते हैं। और ये देखिए अनमोल आया है सुबह सुबह कुछ ढूंढने के लिए खाने के लिए, तो उसको दे देते हैं थोड़ा सा पनीर काट करके खा लेगा। और ये पनीर कल रात बनाई गई थी, कल के व्लॉग में आप लोगों ने देख लिया होगा कि पनीर हमने किस तरह से बनाई थी। और बाकी जो ये सवाल है ना कि पतिदेव के आने से बड़ा अच्छा अच्छा रेसिपी देखने को मिल रहा है, ये एक ही जने का सवाल था। और पहले तो अब बहुत सिंपल बना देते चीज़ें, तो नहीं नहीं आज भी सिंपल वाली चीज़ें बन चुकी हैं, अभी जस्ट गीला चावल बना है, वो बच्चों के लिए बनाते हैं हम, और मैं भी उसी में सिंपल वे में खा लेती हूँ। और ये कनिका और अनमोल के काम जो भी रहते हैं ना सुबह के मालिश वाले से, इन सब काम में लग जाती हूँ। बाकी डीजे सर हैं तो फ्राई करने वाला काम वो करेंगे, तो इसीलिए वैरायटी वाली सब्जियाँ और ये चीज़ें भी बन सकती हैं साथ में लगे लगे। और यहाँ पे हमने लिए हैं बहुत सारे पनीर के क्यूब्स, मैंने बोला बहुत ज़्यादा बड़े बड़े मत काटो, थोड़े से लंबे लंबे काटो, क्योंकि चिली पनीर में तो ऑब्वियसली सारी सब्जियाँ लंबी लंबी सी जाती हैं। और पता है ये सब्जी मेरी मम्मी बनाती है ना, तो वो कुछ खड़े मसाले हैं जिन्हें भूनती हैं और फिर उन्हें पीसती हैं थोड़ा दरदरा और फिर बनाती है, बट मुझे ध्यान नहीं आ रहा था, कभी पूछूंगी मैं उनसे फ़ोन पर कि वो क्या क्या डालती हैं, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बट फिलहाल तो आज मेरे पतिदेव के शॉर्टकट में आप लोग देख लो, तो यहाँ उन्होंने जीरा का छौंका लगाया है सरसों के तेल में, खूब सारे प्याज डाल दिए हैं, 2 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें डाल दिए हैं शिमला मिर्ची और फिर इसे भी फ्राई करेंगे। और फ्लेवर पता है हर तरीके से बनाओ ना सब्जी को बिल्कुल ही अलग होता है, और बिल्कुल ही अलग होता है क्योंकि मम्मी बनाती है ना मेरी, तो वो बिल्कुल ही अलग स्वाद आता है और ये बिल्कुल ही अलग स्वाद आने वाला है। तो कभी मैं ना वो भी पूछूंगी तो मैं सीख लूँगी ना, तो मैं वैसे भी बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, मुझे पता है वो वाला भी ना आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। बाकी अगर शॉर्टकट में बनाना हो तो आप ऐसे बना सकते हो जैसे मैं अभी हमारे पति जो बना रहे हैं। और
ये सब चीज़ें ना, ये सारी रेसिपीज ना मेरी ही ट्राई की हुई हैं, और थोड़ा सा उसमें ना हमारे पति देव का हाथ लग गया तो थोड़ा और ज़्यादा स्वाद बढ़ गया है। और अभी वो है नहीं वॉइस ओवर में, उनको पता भी नहीं है कि सारा क्रेडिट मैं ले जा रही हूँ। और यहाँ पे धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार डाल के और फ्राई कर रहे हैं थोड़ा सा पानी डाल के, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा सूखा सूखा सा रहता है मसाला। तो पानी डाल के फ्राई करने के बाद इसमें डाल दिया गया है पनीर। अब इसे बहुत अच्छे से सुखाया जाएगा, फ्राई किया जाएगा और लास्ट में जाएगा इसमें टोमेटो सॉस, जिसके बाद ये सब्जी हो जाएगी कंप्लीट। बाकी बहुत सारे अलग अलग तरीके से बनते हैं, कुछ आते हैं चिली पनीर बनाने की मसाले पैकेट्स में ही आते हैं, उसको पानी में घोल दो और फिर डाल दो और इस तरह से बनता है। मतलब बहुत सारे तरीके हैं चिली पनीर को बनाने के, मुझे तो लगते हैं ना कि 4 से 5 तरीके हैं। एक बनता है वो जो क्रीम रहता है ना, फ्रूट क्रीम टाइप का ही शायद कुछ ऐसा रहता है, उस क्रीम को डाल करके, मतलब मेरे ही घर में ना मेरी मौसी हैं वो अलग तरीके से बनाती हैं, वो क्रीम वाली बनाती हैं। मेरी मम्मी हैं वो पीसे हुए मसालों के बनाती हैं, और मेरे पतिदेव हैं जो इस तरह से बनाते हैं। मतलब कि इतनी सारी वैरायटी है इस एक सब्जी की, देख ली आपको मैंने यहीं पर गिनवा दिए। और बस ये सब्जी हमारी तैयार है बिल्कुल ही बढ़िया वाली, और इधर अब होएगा गर्मा गर्म रोटी बनेगा। रोटी बनने के बाद कुछ नहीं होएगा, रोटी पता है किस तरह से बनानी है, मेरे पति देव ने पता नहीं रिकॉर्ड किया है कि नहीं, एकदम 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 टाइम था मेरा, एकदम कुछ काम ऐसा था मुझे जिसका टाइम हो चुका था, और मैं इतनी ज़्यादा तेज़ी से बना रही थी रोटियां, और 6-7 रोटी बाकी था और मेरे इतना ज़्यादा मैं हड़बड़ी में कर रही थी। मुझे इतना भी नहीं पता था कि मैं अरे वीडियो बनाई जा रही है, और मैं जल्दी 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 बना रही थी, उनको बस ये बोल रही थी कैमरा बंद कर देना मेरी, मत बनाना वीडियो। और यहाँ पे फिर रोटियाँ बन गई और अनमोल को भूख लग गया था। मेरा नाश्ता ना सुबह सुबह ऐसे टाइम से बन जाता है, सुबह एक बार उठने के बाद ना मेरा पैर ज़मीन पर पड़ता नहीं है, मुझे एकदम वो नहीं रहता है कि मैं थोड़ा सा भी समय वेस्ट करूँ, मैं अपने सारे समय का यूज़ लेना चाहती हूँ। तो मैं इस चक्कर में ना ऐसे दौड़ती भागती रहती हूँ ना कि आप लोग देखोगे ना मुझे किसी दिन अगर सामने से, तो आप लोग भी शौक हो जाओगे कि कर क्या रही है। और मेरा ऐसे ही रहता है। तो मैं फिर लगी थी DIY कर रही थी जिस वक्त हमारे पति देव ने चूड़ा फ्राई करना स्टार्ट किया था, फिर कनिका को भूख लग गया, तो मैंने सोचा कि चलो उसको भी खिला ही देते हैं, DIY तो फिर होती रहेंगी, और DIY की भी वीडियो आपको दिखलाऊंगी। फिलहाल यहाँ पे चूड़ा मटर छीला हुआ था, तो यहाँ पे ना फ्राई होने ही वाला था, तो बस ये हो गया। और ये सब लोगों की कटोरियाँ भी लग गई हैं, और बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं हुआ था, थोड़ा थोड़ा ही सब लोग टेस्ट करेंगे इसी लायक हुआ था। और मेरा प्लान था शाम में नॉनवेज खाने का, तो जो कि कैंसिल हो गया, बारिश इतनी ज़्यादा हुई ना हमारे जोधपुर में इतनी ज़्यादा। DJ सर ने कहीं बाहर जाने का प्लान रखा था कि बाहर चल के खाएंगे, बहुत अच्छी जगह चुने थे, लेकिन सब कैंसिल हो गया। फिर मैं आ गई थी यहाँ पे DIY करने के लिए। और ये हाँ, बहुत लोग कहते हैं किचन में आपने ये नहीं बनाते हो, वो नहीं बनाते हो, पतिदेव रहते हैं तभी आप कुछ चीज़ें बनाती हो, ये कैसा लगा वैसे आप लोग बताना। ये हेयर एक्सेसरीज है, और इसके बाद ये इयर रिंग्स है, ये देख लो आप लोग। तो हाँ, पसंद की बात कर रहे थे, तो वो मेरा तो इंडक्शन वाला चूल्हा भी आ चुका है, लेकिन ठंडी के मौसम में भी बच्चों को बॉइल्ड एग नहीं दे सकते, चीज़ें नहीं दे सकते हैं, तो आप लोग समझ ही सकते हो कि मैं इस किचन में क्या ही अपने पसंद से बना सकती हूँ, कुछ भी नहीं बना सकती हूँ बस। तो वो रहते हैं तो वो अपना लगे रहते हैं, तो मैं भी उसमें साथ में लगी रहती हूँ, बाकी और ऐसा कुछ है नहीं। मेरी चीज़ें छूने के मत गायब हो जाती हैं या पता नहीं क्या हो जाता है। तो बस चलिए, यहाँ पे मैंने इसे ट्राई भी कर लिया, और मैं इतनी ज़्यादा हड़बड़ में तैयार हुई, मैं एकदम पसीने हो गई थी इतनी ठंडी में। और मुझे पता है मैं कोई खास ज़्यादा अच्छे से रेडी नहीं हो पाई हूँ, और ये मुझे ना हेयर एक्सेसरीज थोड़ा और पीछे लगाना था जूड़ा करके, बट इतना हड़बड़ में कुछ हो ही नहीं पाया, तो मैंने ना जल्दी जल्दी ऐसी जगह बस लगा लिया कि लोगों को बस दिख जाए कि हाँ मैंने जो बनाया वो पहन के वीडियो दिखा दी हूँ, इतना ही है बस और कुछ नहीं है। चलिए, तो यहाँ से फिर अब एक वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो कि करीब 1.5 महीने पुरानी है, और 1.5 महीने पहले आया था घर पे नॉन वेज, उस वक्त पतिदेव यहाँ नहीं रहते थे, नहीं थे तब आया था, तो वो वीडियो पड़ी रह गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो आज खाने का मन था तो यहाँ शेयर कर देते हैं, और तब तक हम लोग करते हैं यहाँ पे बच्चों की मालिश वालिश, खिलाना पिलाना सब पता है, रात के 11 बजे तक होता रहता है हमारे यहाँ पे। तूने पापा चलाया कि तू? मैंने पापा चलाया। पैर इधर कर लो। यो नो, मेरा जेब कितना गंदा हो जाए। और यहाँ पे है हमारे पास अनमोल, क्या है माइक लगाने की कि हाँ प्याज खिला रहा है अनमोल, आ जाओ अनमोल, तुम लेकिन वीडियो में नहीं दिख रहे हो, ऐसे दिखोगे, हाँ दिख रहे हो। तो यम यम रोटी के साथ चिकन करी एंजॉय करते हैं हम लोग। हाँ, अनमोल खाएगा? खिलाएं? खिला, मैं तो ये खा, मैं तो भूल ही गई थी, मैं तो अम्मा ये खाता है पास। नहीं, चिकन रोटी भी खाओ।
ये अनमोल ने खा लिया। तो आज हुआ ये कि डीजे सर ने ऑर्डर किया, मैंने चेंज निकाल के रखा, बट डिलीवरी के टाइम पे मेरे ससुर जी पहुंच गए। फिर कुछ नहीं हुआ, उन्होंने पेमेंट दिया और मैंने एंजॉय किया इस बार ससुर जी के तरफ से ट्रीट। तुम भी खाओ अनमोल, तुम भी खाओ, यम्मी है ना। तुम पहले खा लो, तुम पहले खा लो, इतनी टेस्टी है, इतनी टेस्टी, इतनी टेस्टी है कि पूछो ही मत। पूछा जाता है। पहली बार सामने बैठ के खा रही हूँ, वरना कैमरा ऑफ करके खाती हूँ, छुप छुप के। बहुत ज्यादा टेस्टी है, बहुत ज्यादा। शायद कर देता थोड़ा सा, अब बंद करते कैमरा, एंजॉय करते। क्या कहते, सामने बैठ के खाना चाहिए था या फिर कैमरा बंद करके ही खाना चाहिए था? बहुत ज्यादा लटकता, अभी निकाल देते हैं। नहीं नहीं, थोड़ा सा और खा लेते हैं। निकाल दूं? खा रहे हैं साथ में, वीडियो भी बन जाएगा, है ना। और हाँ, इसके बाद अब 10-12 दिन बाद मिलेगा। 10 दिन पे मंगाती हूँ, हर 10 दिन पे, ठीक है। 340 का, 340 कितना हुआ? महीने के 3 बार पानी पिला और पसंद से खा लेते हैं हम लोग। मैं तो बस, कैसी लगी वीडियो आपको? अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मुझसे कौन कौन रिलेट हो पाता है जरूर बताइएगा कमेंट कर।